हे दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। वैसे आज हम वही गेम खेलने वाले जो हम सबकी काफी ज्यादा फेवरेट गेम है, जिसका नाम है मैजिकल बुक। और उस बुक में हम जो भी चीज बनाएंगे वो रियल लाइफ में आ जाएगा। वैसे भाई, यहाँ पर आज हम जिसको बुलाने वाले है ना, वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। मतलब वो आधा इंसान और आधा जानवर है, और उसको बनाने में ना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जब वो बंदा रियल लाइफ में आएगा, उसको हम लड़ाएंगे हमारे आयरन मैन से, और देखेंगे यहाँ पर कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है भाई, यहाँ पर ना आयरन मैन भी जीत सकते हैं, क्योंकि आयरन मैन काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल सुपर हीरो है और उनके पास काफी ज्यादा पावर है। तो अभी हमें नहीं पता भाई यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, वो सब तो हमें बाद में पता लगेगा। फिलहाल तो भाई हमें ये देखना है कि यहाँ पर आज ड्राइंग कौन करने वाला है। तो पहले पूछ लेते हैं हमारे बेंटन से। अरे बेन भाई, क्या आज तू यहाँ पर ड्राइंग को बनाएगा? अरे नहीं फ्रैंकलिन, मेरे हाथ काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं, वैसे मुझे स्कूल से काफी काम मिला था, तो आज तो ड्राइंग में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ओ ठीक है, तो क्या आयरन मैन आप आज ड्राइंग करना चाहोगे? नहीं फ्रैंकलिन, मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं है। ओ ठीक है, क्या हल्क भाई तू ड्राइंग करना चाहेगा? हल्क कभी ड्राइंग नहीं करता। ओ भाई ठीक है ठीक है, डेडपूल और मूनलाइट, क्या तुम दोनों में से कोई ड्राइंग करना चाहेगा? नहीं। और शिनचैन, क्या तू ड्राइंग करेगा? अरे फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, तब से मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगा, तो आज एक काम क्यों नहीं करते, तुम ड्राइंग बना लो ना, वैसे भी तुम्हारी ड्राइंग तो काफी ज्यादा बढ़िया होती जा रही है, तो एक काम करो आज तुम ही ड्राइंग बना लो, और वैसे भी तुम्हारी ड्राइंग जितनी बनाओगे उतनी ज्यादा सुंदर होती जाएगी। हाँ यार, शिनचैन ने बात तो सही बोली है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी ड्राइंग करने को रेडी नहीं है, तो आज भाई यहाँ पर फिर से मैं ही ड्राइंग करूंगा। और यहाँ पर आज हम जिसको बुलाएंगे, वो भाई आपको गैस करना है कि यहाँ पर हम किसको बुलाएंगे, ठीक है? और जो लोग यहाँ पर सही गैस करेंगे, सही आंसर देंगे, उनको मेरी तरफ से आज ठंडी ठंडी पेप्सी मिलेगी। अरे वाह, ये तो फिर काफी ज्यादा मजेदार होगा। वैसे आज मैं गैस कर लूंगा कि यहाँ पर तुम कौन सी चीज बनाने वाले हो, तो मुझे तुम कितनी पेप्सी की बोतल दोगे? अरे भाई, यहाँ पर जो जीत जाएगा उसको मैं 5 पेप्सी की बोतल पिलाऊंगा, और जो नहीं जीतेगा उसको खाली 1-1 पेप्सी की बोतल मिलेगी। अबे ओए, मैं 5ों की 5ों पीऊंगा, चाहे मैं गलत बताऊं या सही बताऊं, अगर तूने मुझे देने से मना करा ना, तुझे तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, समझ आई फ्रैंकलिन? अरे हाँ भाई हल्क, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? ठीक है गाइस, यहाँ पर अगर तुम सही बताओगे तो मैं तुमको यहाँ पर 10 बोतल दूंगा, और अगर तुम गलत बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ पर 5 पेप्सी की बोतल दूंगा। भाई साहब, हल्क से तो हमेशा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि हल्क हमेशा गुस्से में रहता है, इसलिए मैं हल्क की हर बात मानता हूँ। वैसे भाई यहाँ पर जो हम करेक्टर बनाने वाले है ना, वो भाई साहब हल्क से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला है। फिलहाल भाई पता नहीं वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। अब यहाँ पर हम हल्क से लड़ाने वाले नहीं है, आज हम लड़ाएंगे आयरन मैन से, और देखेंगे कि क्या आयरन मैन हमारे करेक्टर को हरा सकता है। वैसे भी हमारा आयरन मैन काफी ज्यादा पावरफुल है, आप सबको पता ही होगा, है तो ये लोहे का, लेकिन भाई साहब इस लोहे में ना काफी ज्यादा पावरफुल है। और देखते भाई यहाँ पर ये किस तरह हमारे कैरेक्टर को हरा पाता है, या फिर खुद हार जाता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मुझे तो लगता है यहाँ पर हमारा आयरन मैन ही जीतेगा, क्योंकि आयरन मैन से पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। अबे ओ शिनचैन के बच्चे, मैं हूँ ना आयरन मैन से पावरफुल। अरे हाँ देखा हल्क मैंने तुम्हें कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम आयरन मैन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। अरे यार, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, हम यहाँ पर गेम खेलने आए, लड़ने के लिए नहीं आए। तो फटाफट से मैं अपनी मैजिकल बुक खोल लेता हूँ, और यहाँ पर कैरेक्टर को बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुके। वैसे भाई मैं आपको बता दूं कि ये वाला कैरेक्टर बनाना ना कोई आसान बात नहीं है, इसको बनाने में हमारे पसीने छूटने वाले। फिलहाल भाई आपके पास यहाँ पर एक ही काम है, आप यहाँ पर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, कि जितना ज्यादा वीडियो पे लाइक होगा ना, हमारा करेक्टर उतना ज्यादा पावरफुल होगा, और जितना ज्यादा ये करेक्टर पावरफुल होगा उतना ज्यादा लड़ाई को देखने में मजा आएगा। अरे फ्रैंकलिन, तुम इसको जितना मर्जी पावरफुल बना लो, मुझे तो पता है कि यहाँ पर विनर कौन होने वाला है। कौन होगा विनर, चल तू ही बता दे। ओहो, यहाँ पर साफ साफ पता है, यहाँ पर विनर होगा हमारा आयरन मैन। तुमको तो पता ही है आयरन मैन कितना ज्यादा खतरनाक है, उसके पास तो काफी ज्यादा खतरनाक पावर है, तुम इससे किसी को भी लड़ा लो, यहाँ पर विजेता खाली आयरन मैन ही होगा। हाँ शिनचैन, बात तो तेरी एकदम सही है, कि यहाँ पर मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर आयरन मैन जीत सकता है, क्योंकि आयरन मैन से खतरनाक कोई भी बंदा नहीं है, और आयरन मैन से पावरफुल मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी कोई सुपर हीरो होगा, तो यहाँ पर आयरन मैन भी जीत सकता है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर जो मैं करेक्टर बना रहा हूँ ना भाई साहब, ये आधा इंसान है और आधा जानवर, तो ये भी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, और इसको भी हल्क की तरह काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और भाई साहब ये गुस्से में ना बहुत
बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वैसे भाई इसके इतने बड़े बड़े नाखून तू देख रहा है? अरे हाँ, क्या ये नाखून नहीं काटता? इसके नाखून तो कितने बड़े बड़े हैं। अरे वो नाखून नहीं है, वो इसके हथियार है जो ये भाई लोगों के सीने में घुसो देता है। तो भाई साहब ये वाला करेक्टर भी ना काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या पता भाई यहाँ पर ये हमारे आयरन मैन का सूट ही तबाह कर दे। मतलब उसमें इतने ज्यादा अपने नाखून का इस्तेमाल करे ना कि जो लोहे का वो आयरन मैन का सूट है वो खराब हो जाए। कुछ भी हो सकता है भाई, हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा करैक्टर जीतने वाला है। गाइज आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सा करैक्टर जीतने वाला है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा करैक्टर जीतेगा, आयरन मैन या फिर ये जो करैक्टर हम बना रहे। वैसे छिंचन तूने यहाँ पर गैस करा कि यहाँ पर मैं कौन सा करैक्टर बना रहा हूँ? अरे फ्रैंकलिन मुझे तो ये कुछ शेर की तरह लग रहा है जिस तरह तुम बना रहे हो। एक मिनट मुझे सोचने दो कि यहाँ पर कौन सा करैक्टर इसकी तरह है। एक मिनट मुझे थोड़ा सोचने दो। हाँ मेरे को याद आ गया ये कौन सा करैक्टर है। इसका नाम रात है और ये बेंटन का एलियन है। क्या मैंने सही कहा ना फ्रैंकलिन? हाँ यार तूने एकदम सही गैस करा कि इसका नाम रात है और भाई साहब ये बहुत ज्यादा खतरनाक करैक्टर है। वैसे भाई मेरे को लगता है आज की पेप्सी की पार्टी यहाँ पर शिनचैन जीत चुका है। तो गाइस आज भाई यहाँ पर मैं शिनचैन को पिलाऊंगा 10 पेप्सी की बोतलें। पता नहीं शिनचैन पी भी पाएगा कि नहीं पी पाएगा। ओहो फ्रैंकलिन तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं दिखने में छोटा हूँ लेकिन खाता मैं पूरा बड़े बंदे की तरह हूँ। हाँ चल ठीक है, आज वैसे देख भी लेंगे कि तू कितना पेप्सी की बोतल पिएगा। वैसे भाई यहाँ पर ज्यादा पेप्सी की बोतल तू पिएगा ना तो तेरे को जुकाम भी हो सकता है। ओह फ्रैंकलिन ये तो बढ़िया बात है ना, जितना जुकाम होगा तो यहाँ पर मेरे को स्कूल की छुट्टी भी तो मिल जाएगी। अरे यार तू स्कूल जाने से इतना डरता क्यों है? ओहो फ्रैंकलिन मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाता हूँ मेरा फेवरेट शो कार्टून में आ रहा होता है और स्कूल करके मुझे अपने शो को मिस करना पड़ता है, इसलिए मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे इतनी सी बात पे तो स्कूल नहीं जाता क्या यार शिनचैन? वैसे गाइस यहाँ पर हमारा करेक्टर पूरा रेडी हो चुका है, अब बस हमें इसको पेंट करना है। तो यहाँ पर पहले हम ब्लैक पेंट से शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ इसके मार्क है ना हमें बस वहाँ पर इसके ब्लैक रंग से पेंट करना है। वैसे इसको पेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला और यहाँ पर बस ये पेंट करने के बाद हम इस पर एक हल्का सा ऑरेंज रंग पेंट करेंगे, उसके बाद हमारा करेक्टर पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये लो भाई साहब देख रहे हो कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, दिखने में बिल्कुल ये टाइगर की तरह लग रहा है ना। और ये है भी मेरे ख्याल से टाइगर ही है, और ये पता ही है आपको कि टाइगर कितने ज़्यादा पावरफुल एनिमल होते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिलहाल गाइस यहाँ पर आप फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो पर लाइक होगा हमारा करेक्टर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ और बस अब हम इसको रियल लाइफ में लेके आने वाले और देखेंगे रियल लाइफ में जब ये आएगा तो ये किस तरह का लगेगा हमको। आजा आजा आजा। ओ भाई साहब यहाँ पर हमारा करैक्टर आ चुका है। ओ भाई साहब दिखने में तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ये तो बिल्कुल का बिल्कुल मुझे टाइगर की तरह लग रहा है। शिनचैन मुझे तो इससे डर लग रहा है, भाई साहब तू इससे बात कर। ओह टाइगर वाले भैया इधर सुनो, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं एक सुपर हीरो और मैं किसी का दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ओह भैया मेरा नाम शिनचैन है। अच्छा नाम है वैसे तुम्हारा, और मेरा नाम है रात, तुम तो मुझे जानते ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो बेंटन के सुपर हीरो हो और आपसे ज्यादा पावरफुल मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। छोटू तू तो कुछ ज्यादा बोल रहा है, तुझे पता तो है कि इससे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ। अबे तू कौन है टीन के डब्बे? मैं टीन का डब्बा तो तू भी प्याज का पकौड़ा है। लगता है तेरे अंदर कुछ ज्यादा गर्मी है, वो सब मुझे दिखानी पड़ेगी। एक काम क्यों नहीं करता तू टीन के डब्बे मेरे से एक एक हाथ हो जाए, देखते यहाँ पर कौन जीतता है कौन हारता है, क्या बोलता है? हाँ बिल्कुल, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम मेरे काबिल हो, लेकिन तब भी अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में अपनी मम्मी के पास जाके रोना मत कि आयरन मैन ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। लगता है तुम्हें अपने आप पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। वैसे सबको यही लगता है कि सब मुझे मार सकते हैं, लेकिन जब वो मेरे से लड़ने के लिए आते हैं तब उनकी पैंट गीली हो जाती है जैसी तुम्हारी हो रही है आयरन मैन। ओह फ्रैंकलिन मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर इन दोनों की काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। अरे हाँ यार मेरे को भी यही लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक होगी। हमें नहीं पता यहाँ पर कौन सा करैक्टर जीतने वाला है। मुझे तो लग रहा है भाई यहाँ पर रात भी जीत सकता है, क्योंकि इसके कितने बड़े बड़े नाखून है। अगर गलती से भी ये नाखून ना आयरन सूट के अंदर घुस गए ना तो
भाई साहब यहाँ पर टोनी स्टार्क का जो आयरन मैन का सूट है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मुझे भी ये लग रहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इसके नाखून इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि यहाँ पर वो आयरन मैन का सूट को फाड़ सके। तो देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन गाइस तुम फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपको इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाओ, जितने ज्यादा लाइक होंगे उतना ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी। अरे ये क्या, यहाँ पर तो आयरन मैन का सूट फटते फटते रह गया। अरे नहीं, यहाँ पर रात तो पूरा का पूरा भाई गुस्से में है और यहाँ पर आयरन मैन कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसकी तो हालत कितनी ज्यादा खराब हो रही है फ्रैंकलिन। अरे हाँ यार, यहाँ पर अभी तक भाई आयरन मैन ने उसे एक भी पंच नहीं मारा, लेकिन रात तो भाई इतने ज्यादा पंच मार रहा है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है ना आयरन मैन का सूट भी फटने वाला है। अरे ये क्या भाई, यहाँ पर तो हमारा आयरन मैन भी उसको काफी बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा। मुझे तो लगता है भाई यहाँ पर रात उसको खत्म ही कर देगा। ये रात इतनी दूर क्यों भाग गया है? मुझे लग रहा है भाई यहाँ पर रात कुछ खतरनाक चीज करने वाला है। ये भाई यहाँ पर ना आयरन मैन का सूट फाड़ने वाला है। ओ भाई साहब, यहाँ पर आयरन मैन को अब चक्कर भी आने शुरू हो गए। यार सिंचाई, मुझे तो लगता है आज आयरन मैन हार जाएगा। ओह, ये रात इतनी दूर क्यों भाग रहा है? पक्का यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ और करने का सोचा होगा। इतना ज्यादा मजबूत उसका सूट है, मैंने इतने ज्यादा पंचेस मारे लेकिन अभी तक उसका सूट फटा नहीं है। पता नहीं कौन सा सूट बना रखा है उस आयरन मैन के बच्चे ने, इतने ज्यादा पंचेस मारने के बाद भी उसका सूट फट नहीं रहा है। हे रैट, क्या हुआ? तुमने सब कुछ अजमा लिया मेरे पे लेकिन मेरे सूट को अभी भी खरोच नहीं लगी। अब बारी मेरी है तुम्हें मारने की। क्या ओल, अब क्या, अब मुझे बंदूक से मारोगे? मेरी बंदूक खाओ। ये क्या, मेरी बंदूक से तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? लगता है मुझे यहाँ पर कुछ और निकालना पड़ेगा, तुम्हारे पास ही आता हूँ। क्या हुआ रैथ, तुम्हारे तो पसीने छूटने लगे। ये लो मेरी मिसाइल। ओ अब लगा? ये क्या, मिस क्यों हो रहा है? ओ अब कैसा लगा रैथ, मेरे तुम एक ही मिसाइल पे मर गए। अरे फ्रैंकलिन, तुमने देखा, यहाँ पर आयरन मैन ने उसे एक ही मिसाइल से उड़ा दिया। मतलब अब तक आयरन मैन उसका मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन जैसे आयरन मैन सीरियस हुए तो उन्होंने रात को देखो यहाँ पर एक ही मिसाइल पे बेहोश कर दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर जीतेगा। अरे झूठ ना बोल, तेरे को तो लग रहा था यहाँ पर रात जीतेगा, लेकिन जैसे तूने देखा ना यहाँ पर आयरन मैन के एक ही मिसाइल पे वो मर गया, अब तू उनकी तारीफ करने लग गया है। कितना ज्यादा चलाक है तू शिनचैन। ओ क्या करूँ, किसी को आती नहीं मेरी जाती नहीं, मैं हूँ ही इतना चलाक। ओह क्या हुआ रात, तुम्हारी तो हालत खराब होगी। मतलब ये वही बात हुई ना, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तुम्हारी औकात मेरे साथ खड़े होने की भी नहीं है और तुम मेरे साथ लड़ने के लिए आए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो डेली आती जाती है। इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।